हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मखाने का खीर रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो हम यहाँ पर 1.5 कप मखाना ले लिए हैं। अब इसे हम भून लेंगे। भुनने के लिए गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा के गरम कर लिए हैं। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी, 1 चम्मच घी। अब इसमें मखाना को डाल देंगे। यहाँ पर गैस को मीडियम कर देंगे और इसे भूनेंगे। इसे 1 मिनट भून लिए हैं, लेकिन हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का सा कुरकुरा सा न हो जाए। तो यहाँ पर भुने हुए 5 मिनट हो गया है। अब ये अच्छी तरह से भुन गया है, तो अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। यहाँ पर एक बॉल ले लेंगे। अब मखाना लेकर के चाकू की सहायता से इस तरह तोड़ते जाएंगे। और इसी तरह करके हम सभी मखाना को तोड़ लिए। यहाँ पर 1/2 लीटर दूध ले लिए हैं। इसे गैस पे चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए। तो दूध में उबाल आ गया है। इसे हम और गाढ़ा होने तक उबालेंगे। तो दूध यहाँ पर हल्का गाढ़ा हो गया है। तो अब डाल देंगे 1/2 कप चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डालें और इसे अच्छी तरह से और गाढ़ा होने तक उबालेंगे। तो दूध को उबले हुए अच्छे 5 से 7 मिनट हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में हम ले लिए हैं यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता। सबको कट करके इसमें डाल देंगे। फिर 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। फिर इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद अब डाल देंगे कट किए हुए मखाना। मखाना डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और 2 मिनट और इसे पका लेंगे। तो इसे 2 से 3 मिनट और पका लिए हैं। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। अब ये हमारा मखाना का खीर बनके तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।